गाइस एक बड़ा अद्भुत वीडियो आपके पास लाया हूँ। राष्ट्रीय पक्षी हमारा जो पिकॉक है, मैं जंगल में कुछ वीडियो लेने गया था तो मैंने एक पानी का थोड़ा छोटा सा स्थान था जो सीमेंट से बनाया हुआ था, एक महात्मा की कुटी के पास में, तो मैंने देखा वो बहुत सारे 10-15-20 नर और मादा पिकॉक्स मेरे को दिखे। मैंने कैमरा वहाँ लगा दिया, कैमरे में शूटिंग कर रहा था तो इनकी आवाज़ भी मेरे को सुनाई दी, और बड़े कलरफुल जंगल के हैं पिकॉक्स, तो गांव में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन मुझे यह बहुत अद्भुत नज़ारा लगा। कैमरे को मैंने सामने रखा, कैमरे से शूटिंग कर रहा था, और कैमरे के डिस्प्ले से मैंने मोबाइल में ये ले लिया। जब कैमरे को बाद में जब गाँव से मैं ये शूटिंग करके जब शेर आऊँगा तब डालूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज ही डाल देता हूँ इसको यहीं से, और मैंने कैमरे की डिस्प्ले से मोबाइल से इसको रिकॉर्ड किया और आपके लिए डाल रहा हूँ। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसके नाम से ही सही, इसको लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। ये देखो कैमरे का डिस्प्ले है और उससे मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है। अब जो कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है उसको एडिट करूँगा और बाद में मैं आपके लिए ज़रूर से ज़रूर अपलोड करूँगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, इस राष्ट्रीय पक्षी के नाम से ही सही जो हमारा नेशनल बर्ड है, वैसे ये बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ से लोगों ने ख़त्म कर दिया है, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान के अरावली क्षेत्र में ये अभी भी बहुतायत में है, और मध्य प्रदेश में ये अभी भी बहुतायत में है, तो इनको हमें बचाना है। मैं अभी एक व्यवस्था कर रहा हूँ इनके लिए पानी की, यहाँ आसपास पानी की बहुत कमी है, तो देखते हैं दोस्तों। इसको शेयर ज़रूर करना, लाइक कर दो तो अच्छी बात है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो वो भी अच्छी बात है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।